तो मंडे नाइट रॉ के अंदर हम सभी को सेथ रॉलिंस एंड रिडल एक इंटरव्यू में देखने को मिले थे, लेकिन मंडे नाइट रॉ के शो के बाद रिडल एंड सेथ रॉलिंस लड़ पड़े बुरी तरीके से। ब्रॉल देखने को मिली हम सभी को। जैसे ही रॉ का शो खत्म होता है, दोनों बंदे आते हैं रिंग में, लड़ने लगते हैं। पहले तो रिडल भारी पड़ते हैं और वो अपनी DDT लगाने चलते हैं रैंडी ओटन की तरह, लेकिन रॉलिंस छूटते हैं, वो एक लो ब्लो लगाते हैं। और उसके बाद जैसे ही सेथ रॉलिंस इनका कर्व स्टॉम लगाने जा रहे होते हैं, जो हमारे रिडल हैं वो लगा देते हैं एक RKO, और कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस निकल जाते हैं रिंग के बाहर। तो मंडे नाइट रॉ के ऑफर के बाद सेथ रॉलिंस एंड रिडल की हुई है ब्रॉल। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो इन दोनों के बारे में। और WWE बहुत ही हाइप बना रही है क्लैश ऑफ द कैस्टल के इनके मैच के लिए। बाकी देखो यार मैच कैसा होता है और आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मैच के लिए, तो उसके बारे में भी आप सभी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को ऐसी WWE की फर्स्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कॉन्टेंट देखने को मिलता रहता है। तो ठोक दो भाई सब्सक्राइब बटन जो भी चैनल पर न्यू है, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। और शेयर वगैरह तो भाई कोई मारता नहीं है, तब भी भाई कहना पड़ता है, अगर शेयर कर सकते हो तो कर देना।